अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। खुशियाँ और कामयाबियाँ आपका और मेरा हम सबका मुकद्दर हो, आमीन सुमामीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज जो है व्लॉग का स्टार्ट करेंगे। और जी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल महरीन लाइफ स्टाइल में वेलकम है आपको। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जो है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे ये होगा कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। जी कहते हैं जी वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो वैलेंटाइंस डे हमारे इस्लाम में तो नहीं है, लेकिन हमारी जो एक सुन्नत है मुस्कुराहट, वो हमें अपने चेहरे पे भी रखनी है और दूसरों के चेहरे पे भी बिखेरनी है। तो अपने प्यारों को खुशियों से उनके चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेर दीजिए, उनको खुश कीजिए। और अपने इर्द गिर्द लोगों को देखिए जो मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, कोशिश कीजिए किसी एक का भी मसला आपके थ्रू हल हो जाता है तो आपने एक कामयाबी की सीढ़ी पे कदम रख दिया है। तो जी बिल्कुल, दोनों जहानों में आपके लिए वो कामयाबी की एक की बन जाती है कि आप दूसरों का मसला हल कर रहे हैं पॉजिटिव लेके उसको, और सिंसियरिटी के साथ तो ज़रूर आपके लिए भी आसानियाँ हो जाती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मुस्कुराहट जो है वो सुन्नत है, और स्माइल रखें अपने चेहरे पे, दूसरों के चेहरे पे भी स्माइल बिखेरें और अच्छी अच्छी बातें करें, दूसरों को खुश रखें, खुशियाँ बांटें। आज का जो है व्लॉग इसी से रिलेटेड है। मैं जी आपके साथ रेड फॉरेस्ट केक शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, अपनी दुआओं में खास खास शामिल रखिएगा, मुझे भी मेरी फैमिली को भी। अल्लाह ताला आपको, मुझे, मेरी पूरी फैमिली को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें और रिस्क में बहुत बरकत दें और हर बुरी और बद नज़र से बचा के रखें, शैतानों के शर से महफूज रखें, और अल्लाह ताला अपने सिवा हमें किसी का मोहताज ना करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी तो 14th February जो है मेरी बर्थडे का दिन है, डेट ऑफ बर्थ मेरी 14th February है। और जी साल हमेशा से जाहिर है आगे बढ़ता है, तो आप एज में भी थोड़ा आगे जाते हैं। तो मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह ताला आपको मुझे हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। और नफल पढ़ के दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए आने वाला वक्त खुशियों से भरपूर हो, हमें हम आजमाइश के काबिल नहीं हैं, अल्लाह ताला हमें आजमाइश में कभी भी नहीं डालें, आपको मुझे हम सबको। और अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखें, हिफाजत में रखें, आजमाइशों से बचा के रखें। और बेशक कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने प्यारों से ही आजमाइश लेते हैं, उनको डालते हैं आजमाइश में, लेकिन अल्लाह ताला से हम हमेशा से ही यही दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह ताला अपने अच्छे बंदों में ज़रूर शामिल करें, लेकिन हम इस काबिल नहीं हैं कि हम जो है आजमाइश को झेल सकें। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त अदा करना चाहिए, नफल पढ़ के दुआ मांगनी चाहिए। वो मैं करूँगी और करती हूँ। ये 2-3 दिन पहले ही मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब ये सेम डे में अपलोड होगा या एक दिन पहले हो जाएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। आज मैं रेड वेलवेट केक बनाने वाली हूँ, इसको रेड फॉरेस्ट केक भी बोल सकते हैं, रेड वेलवेट केक भी बोल सकते हैं आप। मेरे साथ रहिएगा व्लॉग के एंड तक। जी तो ऑरेंजेस का सीज़न जाने वाला है अभी, तो मैंने सोचा है कि आज नाश्ते में ऑरेंज जूस बनाना चाहिए। वो मैंने बनाया ऑरेंज जूस, और साथ चाय का कप था, चिकन बर्गर पैटी थी, ऑलिव्स, खजूर और रस ले लिए थे दो मैंने। और वेट कम करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो होता ही नहीं है, तो क्या करे बंदा, तो अब खाना तो है ना। तो खैर ये ऑरेंज जूस जो है मैंने पहले पी लिया था, फिर थोड़े 5 से 10 मिनट के गैप से मैंने ये नाश्ता किया था, लेकिन बस ये सोचा कि नाश्ते का जो कुछ आइडिया है आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि डेली यही होता है कि आज क्या नाश्ता करना चाहिए, आज क्या नाश्ता करना चाहिए। जी ये एक चिकन बर्गर पैटी ले ली और ऑलिव्स, खजूर और रस चाय के साथ ले लिए, और ऑरेंज जूस सबसे पहले पिया, तो टेस्टी था, मज़े का था। जी तो आज मैं आपके साथ रेड वेलवेट केक शेयर कर रही हूँ, रेसिपी रेड वेलवेट केक बोल सकते हैं आप इसको, रेड फॉरेस्ट वेलवेट केक बोल सकते हैं आप इसको। सबसे पहले जी आपने 2 अंडे लेने हैं और आपने उसको एक ग्राइंडर जग में डाल देना है, और इसके अलावा आपने 1 कप जो है शुगर का ऐड कर देना है उसमें, और फिर तकरीबन 1 कप आपने ऑयल ऐड कर देना है। और मैंने ये जो इसका बैटर था ये 2 पार्ट्स में बनाया था, एक ये 1 उसके लिए जो 2 इसके बनाए थे मैंने पार्ट्स,
तो पहला का ये था, और दूसरा जो है वो अभी इसके बाद बनाऊंगी सेम प्रोसीजर के साथ। एक को मैंने कलर जो है वो चॉकलेट कलर दे दिया था, और एक को मैंने रेड कलर दे दिया था। तो इसके लिए ऑब्वियसली सेम बैटर आपको बनाने हैं, तो लेकिन मेथड और इंग्रेडिएंट सेम होंगी, ऑयल शुगर एंड टू एग्स। तो अब जी ये मिक्सचर आपको ग्राइंड करना है कोई 1 मिनट, ताकि वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए, और आप उसके बाद इसको बाउल में निकाल लें। बाउल में निकालने के बाद आप इसको ऑब्वियसली उसमें आप जो जो चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ जी। इसमें आपने ऐड करना है मैदा, और उसके अंदर आपने 1 टीस्पून आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है, और उसके बाद आपने इसको छान लेना है ताकि जो एयर है उसमें से मैदे में से निकल जाए। और आपने ये मैदा जो है 1 कप लिया है, और उसमें 1 1 टीस्पून आपने बेकिंग सोडा डाला है, वो आपने छान के बैटर में डाल देना है। और आपने 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस डाल देना है, और 1 टेबल स्पून आपने कोको पाउडर वो आपने डाल देना है छान के, ताकि जो इसमें जो एयर होती है वो निकल जाए। और इसके बाद आप जी आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और आपने इसको मिक्स करने के बाद जो है इसमें आपने मिल्क, बटर मिल्क ऐड करना है। बटर मिल्क कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसको बहुत स्मूथली मिक्स करना है जी। ये देखें जी, ये फाइनल जो है मिक्स हो गया है, लेकिन अभी मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क एंड बटर। तो आपने करना ये है कि एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून डालना है मिल्क, और उसमें 1 टेबल स्पून आपने बटर का ऐड कर देना है। और उसमें जैसे ही वो बटर जो है वो मेल्ट होगा मिल्क में, अच्छे से मिक्स होगा मेल्ट होगा, तो आपने उसमें आपने स्पंज जो है वो जिस भी कलर का बनाना है वो आपने कलर जो है वो मिल्क में ऐड कर देना है, बटर मिल्क में, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद वो आप डाल देंगे जो आपका बैटर है उसमें। और ये जी मैंने चॉकलेट इसमें कोको पाउडर ऐड कर दिया था, और इसमें साथ ही ये थोड़ा सा कलर बटर मिल्क ऐड कर दिया था, तो इसका थोड़ा सा मतलब कलर चेंज हुआ था, बाकी अदरवाइज़ तो ये मतलब जो मेन जो इसका कोका कलर है वही ही रहा था। तो इसके अलावा जो है स्पंज मैंने एक और तैयार किया था, और उस स्पंज को जो है उसका भी सेम बैटर बनाना है, बस उसमें कलर ऐड करना होता है। ये जी मैंने हार्ट शेप का मोल्ड लिया है, और इसमें मैं इसको ग्रीस करूँगी ऑयल के साथ अच्छे से बटर पेपर लगा के, और उसके बाद इसमें जो जो बैटर है वो मोल्ड में मैं डाल दूंगी, और उसके बाद जो है इसको मैं रख दूंगी प्री हीटेड ओवन में। और आप जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर इसको फॉलो कीजिए, ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छी और इजी और क्विक रेसिपी है, कोई इतनी बड़ी इसमें चीज़ नहीं है जो कि समझ ना आती हो, क्योंकि बहुत ही इजी रेसिपी है ये। आपने इसको मोल्ड में डालने के बाद बैटर को तो हल्के से इसको 3 दफ़ा जो है थोड़ा सा टैप कर लेना है, ताकि जो इसमें एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं, और ये अच्छे से सेट हो जाए बैटर। अब जी हमने इसको क्या करना है, ऑब्वियसली हमने इसको प्री हीटेड ओवन में रखना है। आप ओवन जो है कोई 10 मिनट्स बिफोर आप इसको प्री हीट कर लें, और उसके बाद ये जो बैटर है अपना ओवन में रखते हैं, और 35 मिनट्स तक आप इसको बेक होने दें। और इसके बाद आप 35 मिनट्स के बाद आप इसको चेक कीजिए किसी भी नाइफ के साथ, इसको इंसर्ट करके या फिर टूथपिक के साथ आप इसको इस पे इंसर्ट कीजिए केक के अंदर। अगर वो बिल्कुल क्लियर आती है तो फिर आप समझ लें कि ये केक आपका रेडी है। सो ये जी मैंने 35 मिनट्स इसको दिए थे, और इसके बाद मैंने ये जो रेड जो है कलर का स्पंज जो बनाना था वो मैंने वो तैयार कर लिया था। इसका सेम वही तरीका है जो मैंने आपको बताया है, और ये भी मैं अब मोल्ड में डाल रही हूँ। और जैसे ये रेडी होगा उसके बाद इसकी जो मेकिंग है, जो इसका स्टाइल, जो फाइनल हमने इसको लुक देनी है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे इसको मैंने हल्का सा टैप कर लिया था 3 टाइम्स, और फिर इसको बेक करने के लिए रख दिया था। और जी ये विपी विप क्रीम है, और ये बहुत ही केक को अच्छा मतलब क्रीम जो है फ्रेश क्रीम इनकी बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। तो इसके जी आपने 2 कप्स ले लेने हैं बाउल में, और
इसके बाद आपको इसको बीट करना है इलेक्ट्रिक बीटर से। अच्छे से आप इसको बीट करेंगे, और मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 कप इसमें शुगर भी ऐड कर दी थी, और इसको फिर इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करना है। सबसे पहले आप स्लो मीडियम पे रखेंगे, लाइक 1 पे इसको ऑन करके मतलब बीट करेंगे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको सेकंड नंबर पे लेके जाइए, फिर थोड़ी देर के बाद इसको थर्ड नंबर पे, और फिर लास्ट 4th तक आपने इसको लेके जाना है, जबकि ये 5th नंबर इसका जो है वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, हम इसको 1, 2, 3, 4 तक जाके इलेक्ट्रिक बीटर को चला सकते हैं इस पर। और इसका जो है तकरीबन 7 मिनट में इसकी जो क्रीम है वो रेडी हो जाती है केक के लिए। और ये जी केक जो है इसकी मैंने कटिंग कर ली थी, और ये हार्ट शेप की केक आपके सामने है। एक जी कोका कलर में ज़ाहिर है कोका पाउडर डाला है, तो ये वो है, और एक जो है उसको पिंक कलर दिया था, बैटर सिंपल था उसको पिंक कलर दे दिया था, और ये केक आपके सामने बेक हुए हुए। और अब जो है इसकी हम ड्रेसिंग करेंगे, और इसके साथ ही मैंने यूज़ किए थे इसमें पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरीज़, और जो है बहुत ही यमी केक बना था और सबको बहुत पसंद आया था। आप भी इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, और जैसे कि आजकल मार्केट में स्ट्रॉबेरीज़ आ गई हैं, और बहुत ही इजी और क्विक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो ये जी कटिंग करने के बाद मैंने इसको ड्रेसिंग बोर्ड पे इस टेबल पे रख दिया था। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि सेंटर में जो बोर्ड आप रखेंगे टेबल पे, उसके ऊपर थोड़ी सी आप क्रीम लगा देंगे, लाइक दिस आप सेंटर में इसकी क्रीम लगाएंगे, और उसके बाद आप स्पंज रखेंगे, और स्पंज रखने के बाद आप उसकी जो ड्रेसिंग है वो तैयार करेंगे। ये जी अब मैं केक की जो हमने उसको थोड़ा सा करना होता है, केक को जूसी बनाने के लिए हमने इसमें मिल्क ऐड करना है, और पाइनएप्पल का जो जूस होता है वो आप मिक्स करके इसको इस तरह से बॉटल में डालिए, और फिर उसके ऊपर सारा स्प्रेड कर दीजिए मिल्क को, और कोकोनट आपके पास वाटर है या फिर पाइनएप्पल का जूस है वो आप ऐड करके इसको अच्छे से फिल कर सकते हैं इसके स्पॉन्ज को, ताकि जो केक है वो जूसी और टेस्टी बने। सो ये जी इसको अब यहाँ पे इसके ऊपर हम क्रीम लगा रहे हैं, जो कि क्रीम अभी आपके सामने ही रेडी की थी, तो इसकी हल्की सी लेयर एक क्रीम की आएगी, फिर एक पाइनएप्पल का जो है वो हम देंगे, एक लेयर पाइनएप्पल की आ जाएगी, और साथ ही इसके चंक्स आ जाएंगे स्ट्रॉबेरीज के, और ये फ्रूटी केक बन जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। ये जी एक का हमारा स्टेप तैयार हो चुका है, और इसके बाद हम ये जो स्पंज है कोको पाउडर जो हमने डाला था, चॉकलेटी स्पंज है ये हमने रखा था, अब इसको भी वैसे ही हमने मिल्क से सारा कवर करना है इसके, ताकि हम इस केक को जूसी और टेस्टी बना सकें। ये जी अच्छे से आपने मिल्क लगा लिया है इस पे, और इसके साथ ही हमने फिर क्रीम की एक इसके ऊपर लेयर दे देनी है, और इसके बाद फिर हम जो है इसके ऊपर फ्रूट्स लगाएंगे, वैसे ही लेयर जो पहले स्पॉन्ज पे लगाई थी, इस पे जी पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी की एक लेयर आ चुकी है, और इसके बाद नेक्स्ट स्पॉन्ज आएगा, उसके ऊपर भी आपने सेम वैसे ही करना है, लाइक क्रीम लगानी है, और सबसे पहले आपने मिल्क से उसको कवर करना है कि उसके अंदर जो है वो ऑब्ज़र्व हो जाए मिल्क एंड पाइनएप्पल का जूस, जो कि आपके केक को बहुत ही मज़े का जो है टेस्ट देगा, और जूसी केक बनेगा उससे। और जी ये जी फाइनल अब जो है इसकी कोडिंग होने लगी है, उस पर भी इसी तरह से हम सारा मिल्क जो है वो स्प्रेड कर देंगे, लगा देंगे इसके ऊपर, ताकि वो अच्छे से स्पॉन्ज जो है मिल्क इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाए, और केक जो है मज़ेदार सा तैयार हो जाए। ये जी एक लेयर ये भी तैयार है, और इसके बाद हम इसकी फिनिशिंग और फाइनल लुक पे जाएंगे, तो आप मेरे साथ रहिएगा, इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। और ये जी फाइनल लुक
आपके सामने है और बहुत ही यमी केक बना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ये 14 फरवरी को ही अपलोड कर दूंगी या एक दिन पहले करूंगी, तो लेकिन मैं नहीं कर सकी, एक दिन लेट हो गई हूँ बजाय इसके कि एक दिन पहले इस वीडियो को अपलोड करती, लेकिन एक दिन लेट कर रही हूँ। कोई मसला नहीं है, बस ये है कि आपके साथ रेसिपी ये शेयर करनी थी। और फ्रेश फ्रूट्स केक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्रेश फ्रूट्स के साथ केक का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही यमी हो जाता है। तो आप भी ज़रूर अपने घर पे इसको ट्राई करें। और जो मेरी बर्थडे का व्लॉग है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपनी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की है। वैसे तो मैं सिंपल करती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जब व्लॉग बनाना है तो फिर थोड़ा सा कोई ना कोई एक्टिविटी ऑब्वियसली करूँगी कि जी सबके साथ मिल के केक काटूँ और कुछ उसमें चैलेंज भी रखा जाए, कुछ इंटरेस्टिंग सा किया जाए आप लोगों के साथ। ऑब्वियसली शेयर करूँगी, आप फैमिली की तरह हैं, तो आप भी ज़रूर व्लॉग को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपनी दुआओं में ख़ास शामिल रखिएगा। और मेरी फैमिली के लिए ख़ास ख़ास दुआ किया करें, अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दें और रिस्क में बहुत बरकत दें। और जितने भी मेरे वेल विशर्स हैं सब के लिए सेम दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत बरकत दें। ये जी एक पीस कटिंग की थी तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी ये लुक भी। और जी ये मैंने केक फिर बांटा था सब में और ये पीसेस करके रख दिए थे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है किस तरह से ये केक गायब हुआ ये भी आप लोग देखेंगे कि मतलब कैसे सबको पसंद आया और किस तरह से सब ने इसको एक सेकंड में गायब कर दिया था। बहुत ही मज़े का टेस्टी था केक जी। जी तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। रेड वेलवेट केक आपके साथ मैंने शेयर की, रेसिपी बहुत इजी है, बहुत ही क्विक बन जाएगी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपने बनाया केक और कैसा बना। सो अपनी दुआओं में ख़ास ख़ास शामिल रखिएगा मुझे भी, मेरी पूरी फैमिली को भी, आप सबके लिए दिल से दुआएं हैं, अपनी दुआओं में मुझे भी शामिल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको, मुझे, मेरी पूरी फैमिली को, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें और हमें अल्लाह ताला अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना करें, आमीन सुम्मा आमीन। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुश्मनों और शैतानों के शर से महफूज रखें और इंसानों के शर से महफूज रखें, इंसान जो है ना उनके शर से बचने के लिए भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए। सो खुश रहें, खुशियाँ बांटें, आओ मिलके खुशियाँ बांटें। बिल्कुल आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अलखुशी फाउंडेशन मेरा पेज है, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे भी और इसके अलावा फेसबुक पे भी। और इसके अलावा जो मेरी आईडी है m.ifashioncollection, यहाँ पे भी आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेस्ट ज्वेलरी मिलेगी, बेस्ट क्वालिटी की ज्वेलरी आपको मिलेगी, आप एक दफ़ा ज़रूर विजिट करें और ज़रूर ऑर्डर करें, ठीक है जी। और इसके अलावा केकरी बाय महरीन, kekri.by.mehreen इंस्टाग्राम की आईडी है अगेन। और ये भी मेरा ऑनलाइन जो है वो बिज़नेस मैं कर रही हूँ, बहुत ही स्मॉल लेवल पे अभी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको ग्रो करने में हेल्प करेंगे क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई नहीं है। और बेशक अल्लाह ताला से हम सब उम्मीद रखते हैं और अच्छी रखते हैं और अच्छी रखनी चाहिए। आप लोगों ने सपोर्ट ये करना है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और मुझे अच्छे व्यूज़ देने हैं ताकि मेरा चैनल अच्छे से ग्रो करे। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलूंगी, अपनी दुआओं में ख़ास ख़ास शामिल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।